बिना यूनिफॉर्म के नहीं आने के लिए कहा है मास्टर जी ने, वही सोच रहा हूँ। तुम अपने घर वालों से पूछ लो, भैया से पूछ लो राजू। स्काउट का मतलब है यूनिफॉर्म पहनकर जनता की सेवा करना। ठीक, सोचूंगा। आओ बाहर चले। चलो चलो, किताबें उठा लो, चलते हैं। क्यों, स्कूल में तो कभी की छुट्टी हो गई, अब आ रहे हो? कहाँ कहाँ घूम रहे थे? होमवर्क कब करोगे? क्लास में ही सब पढ़ लिया, पूरा याद है। पूरा याद है? आज स्कूल में क्या पढ़ाया बोलो। स्काउट के बच्चों को पुष्पगिरी के मेले में जाना होगा और वहाँ समाज सेवा करनी होगी। तो तुम भी जा रहे हो? 10 रुपए देने होंगे जाने के लिए और 10 दिन वही रहना होगा, इसलिए। स्कूल में भर्ती हुए 10 दिन हुए नहीं और स्काउट यूनिफॉर्म सिलवा कर समाज सेवा करनी है। स्कूल में पढ़ने के लिए भर्ती किया है, फिजूल में पैसे खर्च करने के लिए नहीं। समाज सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 10 दिन के लिए समाज सेवा करने जाओगे तो घर की सेवा कौन करेगा? यहाँ कैसे चलेगा अम्मा? मेला वेला भूल कर घर में बैठकर पढ़ो, जाओ। मास्टर जी ने पूछा तो? पूछेंगे तो कह देना पैसे नहीं है इसलिए नहीं जा सकते। राजू, तुम अगर नहीं आओगे तो हम भी मेले में नहीं जाएंगे। तुम आओगे तो सब एक साथ मिलकर लोगों की सेवा करेंगे। मुझे लगा कि तुम्हारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। 2 नई यूनिफॉर्म मैंने सिलवाई थी, उसमें से एक तुम्हारे डेस्क पर रख दी है। ये यूनिफॉर्म ले लो और जरूर आना राजू, तुम्हारा दोस्त बड़े प्रेम से ये दे रहा है। इनकार नहीं करना, जरूर मेले में आना राजू। बस इतना ही, तुम्हारा दोस्त रमेश। रत्नाकर वंश है हमारा, हम देना ही जानते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते हम लोग। आत्मगौरव ही हमारा गहना है, दानशीलता ऐश्वर्य है, गौरवशाली वंश है। दोस्ती फूल सी होती है, बस उसकी सुगंध का अनुभव करना चाहिए। हम पर वो बोझ न बने, पर यदि हो सके तो अवश्य दूसरों का बोझ सह लेना चाहिए हमें। दोस्ती पवित्र है, प्रेम से भरी हुई है। संबंधों के बीच वस्तु या धन आने से संबंध खराब हो जाते हैं, प्रेम समाप्त हो जाता है। हमें बहुत दिनों तक साथ साथ अपनी दोस्ती को अभिमान के साथ निभाना है। धन और वस्तु बीच में आने से दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे दिलों का आगे चलकर ठेस न पहुँचे। तुम अपनी यूनिफॉर्म ले लो। तुम्हारा सत्यनारायण राजू। राजू, तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी, तुम्हारी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगेगा, तुम साथ रहोगे तो हमें उत्साह रहेगा, इसीलिए तो मैं तुम्हें आने को बार बार कह रहा हूँ। रमेश, तुम्हारी भावना समझ गया,
आने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है? हाँ। पूछेंगे तो कह देना पैसा नहीं है, इसलिए नहीं जा सकते। क्या बात है राजू, इधर कैसे आए? पुरानी किताबें चाहिए थी ना तुम्हें? हाँ। देखो लेकर आया हूँ। देखो। ये तो पुरानी किताबें हैं, लेकिन दिखती नहीं पुरानी। मुझे पढ़ने के लिए इन किताबों की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये नहीं दिखती हैं। परंतु इसकी कीमत? आधी कीमत दे देना। आधी यानी? 10 रुपये। 10 रुपये? हाँ 10 रुपये। तो मुझे 10 रुपये दोगे तो मैं पुष्पगिरी मेले में जा सकूंगा, वहाँ सबकी सेवा कर सकूंगा, इसलिए मैं ये किताबें बेच रहा हूँ। राजू मैं इतना नहीं दे सकता, किसी तरह मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से कमा कर ये रुपए दिए हैं, वो भी फुटकर ही, 1 आना 2 आना, पूरे 10 रुपए नहीं होंगे। राजू परेशान नहीं हो, केवल 5 रुपए ही देकर ये किताबें ले लो। ये ले 5 रुपए। कुंडलू अच्छे से पढ़ना। राजू तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलता हूँ। बाप रे इतने पैसे, सब मेरे ही होंगे, मेरे ही होंगे। क्यों रे कहाँ से आए ये पैसे, घर में चोरी करते शर्म नहीं आई? ये मैंने चुराए नहीं है, अपनी पुरानी किताबें बेचकर ये रुपए लाया हूँ। पुरानी किताबें बेच दी? किसको बेची? कुंडलू को बेची, बेचारा बहुत ही गरीब है, चाहिए तो बुला ले उसे गवाही के लिए। हाँ, उसे क्या बुलाओगे, दोनों नाटक खेल रहे होंगे मिलकर, उसके लिए तुम, तुम्हारे लिए वो, बिल्ली के लिए चूहा गवाही देगा। ये पैसे कहाँ से आए, भाई को आने दे तेरे, आज फैसला करके ही छोड़ूंगी। हाँ क्यों, क्या हो रहा है? कुछ नहीं जवाई जी, बोलता है कि किताबें बेचकर पैसे लाया, जरा पूछताछ कर रही थी। क्यों रे सत्यम, कहां से आए ये पैसे, बोल रे कहां से आए ये पैसे? अरे किताबें पढ़ने के लिए होती है ना कि बेचने के लिए, तुम अच्छे से पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करोगे, हम सब यही आशा लगाए बैठे हैं, लेकिन तुम तो बस किताबें और पेंसिल बेचने में लगे हुए हो। छी, पता नहीं कब अकल आएगी, कब समझोगे। सुनिए तो सही, मैंने दरअसल। चुप रहो, एक शब्द और बोला तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से में आकर मैं क्या कर लूंगा मैं नहीं जानता। जाओ जाओ।